कोरोना महामारी के प्रयास को रोकने के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा देश के सभी नागरिकों से अपील की जा रही है कि वह कोरोना के बचाव के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। जिसके चलते आज श्रीधाम वृंदावन स्थित अग्रवाल धर्मशाला पर एक वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का आयोजन नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के तत्वाधान में एवं वृंदावन मीडिया क्लब के सहयोग से किया गया, जिसमें लगभग 50 से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाकर अपने आप को सुरक्षित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी मुकेश शाश्वत देव त्रिवेदी ने ठाकुर बाके बिहारी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कैंप का शुभारंभ किया। वैक्सीनेशन कैंप जो लगाया गया है 18 प्लस का, जिसमें कि 50 प्लस लोगों को अभी तक वैक्सीन लग चुकी है, ये हमारे यहाँ के नगर उद्योग व्यापार मंडल, जिसके अध्यक्ष आलोक बंसल जी हैं एवं महामंत्री जी हमारे शुक्ला जी हैं, इनके प्रयास से आज अग्रवाल धर्मशाला में मेरे साथी देवज्योति द्विवेदी जी, इन सभी के सहयोग से आज इसका यहाँ पर आयोजन किया गया, जिसका कि आसपास के सभी लोग 18 प्लस जो के लोगों को दिक्कतें हो रही हैं तो उसको सहूलियत देने के लिए आज इस अग्रवाल धर्मशाला में इस वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया है। जो लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, आगे नहीं आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, वैक्सीन पे इतने ज़्यादा अभी हमारे प्रयोग हो चुके हैं और सभी ने, जैसा कि अभी कोरोना महामारी अभी निकल के जा चुकी है, इसमें हम सभी ने देखा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनको कोविड तो हुआ है परंतु उसका प्रभाव उस पर ज़्यादा नहीं हुआ है, तो इसलिए वैक्सीन बहुत आवश्यक है। और मैं भी यही अपनी तरफ से सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगवाएं, जिससे कि आगे आने वाले समय में भी कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। तीसरी लहर का खतरा है और आगे देख रहे हैं तीसरी लहर भी आ रही है, उसको लेकर के जनता को किस तरह से सचेत करेंगे? ये वैक्सीन कोरोना के लिए ही है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज है, एक तो फिजिकल डिस्टेंस बहुत आवश्यक है, दूसरा मास्क का उपयोग करें हम लोग, तीसरा वैक्सीन अधिक से अधिक लगवाएं, जिससे कि इस महामारी से हम लोगों को निजात मिल सके। व्यापार मंडल द्वारा स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला में आज 80 प्लस लोगों के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन वृंदावन मीडिया क्लब के सहयोग से लगाया गया है। अब तक लगभग 50 लोगों द्वारा वैक्सीन लगवाई जा चुकी है और कैंप जारी है। मेरा नगर के सभी युवाओं से, माता बहनों से, व्यापारियों से, सभी वर्गों से निवेदन है कि कोविड जैसी महामारी से बचाव का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग एवं जो नियम है उनका पालन करें। उसके अलावा जो रामबाण है उसमें केवल एक वैक्सीन है, वैक्सीन अवश्य लगवाएं। किसी भी भ्रांति को अपने मन में ना पालें कि वैक्सीन से किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। ये बात एक अलग है कि वैक्सीन कितने परसेंट कारगर है, इस चीज़ ये तो बहस का मुद्दा हो सकता है कि ये 100% है कि 90% है कि 80% है, पर वैक्सीन लगवाएं ये निश्चित रूप से कारगर है और बिना भय के लगवाएं। सरकार द्वारा वैक्सीन की व्यवस्था की गई है, उसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी कैंप लगवाए जा रहे हैं। उन कैंपों में जाकर या जो हॉस्पिटल वगैरह हैं निश्चित जगह की गई हैं उन पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं। क्या माना जा सकता है संस्था द्वारा आगामी भी ऐसे कैंप लगाए जाएंगे? अगर लोगों की आवश्यकता महसूस होगी तो एक बड़ा स्तर पर कैंप लगवाया जाएगा। आज ये कैंप जो लगवाया गया था इमरजेंसी में छोटे स्तर पर लगवाया गया था। इस कैंप में वैक्सीन लगवाने से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करने का मुख्य उद्देश्य था। जो भी लोग आए, हमने कुछ लोग आए उन्होंने नहीं लगवाई, उसके अलावा जो लोग आए हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की वो दूसरे लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।